हेलो दोस्तों, आज मैं बक्सर के युद्ध के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। यह एक ऐसा युद्ध है जिसने ब्रिटिश हुकूमत भारत में स्थापित होकर दिया। एक ऐसा युद्ध जिस युद्ध के बाद ब्रिटिश का हुकूमत भारत पर स्थापित हो गया, वह युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध के बाद बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको आप अच्छा से देख लीजिए। यह युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है, देखिए ध्यान से। आप एक बार ध्यान से देखिए और धीरे धीरे आप समझते चलिएगा, ठीक है। देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को, याद रखिएगा डेट, 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर कहाँ है? तो एक बिहार का एक जिला है, बिहार में है, ठीक। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यह अंग्रेजों और संयुक्त सेना। संयुक्त सेना में कौन कौन थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, याद कर लीजिएगा, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। यानी संयुक्त सेना भारत के जो सबसे बड़े बड़े राज्य थे और मुगल शासक जो भारत को प्रतिनिधित्व कर रहे थे, सभी को, यानी संयुक्त सेना को किसने हराया? अंग्रेजों ने हराया। अंग्रेजों का सेनापति कौन था उस समय? हेक्टर मुनरो। याद रखिएगा कि बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से सेनापति कौन था, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो। यह युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। अगर यहाँ तक हो गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस युद्ध के परिणाम होंगे। देखिए, इस युद्ध के दो परिणाम निकले। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुआ, यह वास्तविक विजय था, इसमें कोई षड्यंत्र, इसने इस युद्ध में अंग्रेजों ने सच में अपना ताकत दिखा दिया था, क्योंकि संयुक्त सेना को हराना इतना आसान नहीं था। इस युद्ध के बाद दो संधियां होती है, एक इलाहाबाद की प्रथम संधि, याद कर लीजिएगा, इलाहाबाद की प्रथम संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। दरोगा से लेके बीपीएससी लेके बिहार पुलिस, मतलब हवलदार से लेके आईएएस तक में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को होता है। इसमें शाह आलम द्वितीय जो थे, मुगल मुगल के जो शासक शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होती है। इसमें जो साइन होता है उसमें बंगाल के नवाब नाजुम दौला, यानी जो मीर कासिम, क्योंकि एक तरफ मीर कासिम था युद्ध में, तो मीर कासिम हार जाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है, उस समय बंगाल का शासक कौन बनता है? नजामु दौला बनता है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि पर साइन किसने किसने किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि पर साइन बंगाल के नवाब नजुम दौला, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस संधि के तहत क्या क्या शर्त हुआ, क्या क्या हुआ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। देखिए, इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी किसे दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। क्यों? क्योंकि ये हारे हुए थे। चलिए ठीक है, सम्राट को क्या मिला? सम्राट को अवध के नवाब से, क्लाइव ने सम्राट को क्या दिया? अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र लेकर दे दिया, सम्राट को दे दिया। यानी ये किसको दे दिया? ये शाह आलम द्वितीय को दे दिया कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है कि मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दिए जाने लगा, कि मुगल सम्राट को कितना मिलेगा? 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन मिलेगा और आपका सम्राट खत्म, मतलब एक तरह का सम्राट है लेकिन सिर्फ आपको पेंशन दिया जाएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि में मतलब सारा जो अधिकार था सब अंग्रेज के पास चला गया। क्या क्या मिला सिर्फ सम्राट को? क्या क्या मिला सम्राट को? कड़ा और इलाहाबाद दे दिया गया, वो भी किससे लेकर? अवध के नवाब से लेकर शाह आलम द्वितीय को दिया गया। मुगल सम्राट को और क्या मिला? चलो भाई, रहने खाने पीने के लिए इसको 26 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन के रूप में दे दिया। तो ये रहा है इलाहाबाद की प्रथम संधि। सभी का सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार याद कर लीजिएगा। फिर दूसरा है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। यह संधि देखिए किन किन के बीच होता है। यह संधि रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब शुजाउद्दौला के साथ होता है। किसके साथ होता है? क्योंकि शुजाउद्दौला भी हारे थे तो इनके साथ भी एक संधि हुआ, अवध के नवाब और शुजाउद्दौला के साथ।
अवध के नवाब सुजाउद्दौला और क्लाइव के साथ। किस कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1765 को हुआ था, याद रखिएगा। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के तहत क्या क्या हुआ? अवध को राजकड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर, जो कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र सहलम द्वितीय को दे दिया था, इसलिए इसको छोड़कर बाकी सभी राज्य लौटा दिया गया। जितना भी जीते थे रॉबर्ट क्लाइव बक्सर के युद्ध में, सभी के सभी लौटा दिए। कंपनी को 50 लाख रुपया देना पड़ा। किसको देना पड़ा? अवध के नवाब को देना पड़ा। कंपनी को 50 लाख रुपया दिया और चुनार का दुर्ग भी अवध से ले लिया। चुनार का दुर्ग भी क्या लिया? अवध से ले लिया। दो बात हो गया। तीसरा बात है, अवध में मुक्त व्यापार करने की सुविधा कंपनी को प्राप्त हुई। यानी इलाहाबाद के द्वितीय संधि में क्या क्या हुआ? कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र छोड़कर बाकी सारा क्षेत्र लौटा दिया गया अवध के नवाब सिराजुद्दौला को। कंपनी को 50 लाख रुपया और चुनार का दुर्ग प्राप्त हुआ। यानी अवध का नवाब क्या देगा? कंपनी को 50 लाख रुपया दिया और चुनार का दुर्ग दे दिया और अवध के क्षेत्र में फ्री व्यापार करने की अनुमति ले लिया। तो यह क्या हुआ? इलाहाबाद की द्वितीय संधि थी। यानी बक्सर के युद्ध का परिणाम दो संधियां से खत्म हुआ, इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, हवलदार से लेकर आईएएस तक में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या करें, आप इसको अच्छा से रट लें। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जय